हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेल्टन का सैमसंग का एयर कंडीशनर है, और इसमें क्या है, इसका जो कंप्रेसर है अभी फिलहाल न्यू इंस्टॉल किया, इससे पहले एक कंप्रेसर था वो ख़राब हो गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कंप्रेसर बिल्कुल न्यू है, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो R22 रेफ्रिजरेंट है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर में ये लिखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर भी मतलब इसमें न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद भी यही दिक्कत आ रही है, कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जा रहा है। तो इस तरीके की अगर आपके सामने दिक्कत आ रही है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, न्यू कंप्रेसर सब कुछ ठीक है, इसका जो कैपेसिटर है वो भी हमने मतलब इससे पहले जो है चेंज कर दिया है, ये आप देख रहे हैं ये चेंज कर दिया हमने अभी परसों इसको, कंप्रेसर को इंस्टॉल किया है, उसके बाद फिर भी यही दिक्कत आ रही है, बार बार ट्रिप हो जा रहा है। तो इसमें जो फॉल्ट है, वैसे आप क्या देख सकते हैं कि वोल्टेज अगर कम है तब कंप्रेसर ट्रिप होगा, वो वोल्टेज आपके बहुत ज़्यादा ओवर है फिर कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद हो जाएगी, या फिर आपका कैपेसिटर वीक है तब ये दिक्कत आती है, फिर अदरवाइज वायरिंग में कहीं लूजिंग है तब ये दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, उसके बाद फिर भी यही दिक्कत आ रही है, कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जा रहा है। हालांकि इसकी फैन स्पीड है वो भी हमने देख लिया, बट इसमें जो फॉल्ट निकला, मतलब जो इसमें फॉल्ट था वो ये था कि इसका जो फ़ैन है, जब हमने चेक किया, आए देखा सब कुछ ठीक था, उस समय भी ठीक था, फ़ैन की स्पीड भी थी, सब कुछ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर गैस ओवर होती है फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, अगर नॉन इन्वर्टर है, अगर इन्वर्टर मॉडल है तो आपका गैस कम होती है फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, नॉन इन्वर्टर अगर गैस नहीं है फिर भी आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चले, बस यहाँ पे जो दिक्कत थी वो ये थी, इसका जो फैन स्पीड है मतलब फैन की स्पीड है वो ठीक थी, बट आधे घंटे के बाद ये दिक्कत आ रही है कि इसकी फैन ऑटोन्यूट की फैन मोटर जो है वो हीट होकर बंद हो जा रही थी। मतलब वैसे हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आधा घंटा कंटिन्यू जब हमने देखा, इसको चेक किया लगभग हमने, कि देखते हैं चलता रहने देते हैं कैसा क्या है, किलोमीटर लगाया, एम्पियर भी देखे सब कुछ, बट आधे घंटे के बाद इसकी मोटर इतनी हीट हो जा रही है, उसके बाद ये जो है कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जा रही है, जब तक हीटिंग ऑट नहीं हुई तब तक ये दिक्कत रहेगी। तो इसकी जो है कैपेसिटर भी हमने इसको चेंज कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा चेक किया, फिर भी यही दिक्कत आ रही, तो इसकी वेंडिंग में दिक्कत है, मतलब कंप्रेसर जो है ठीक है हमारा, कंप्रेसर सब कुछ ओके है, बट इसकी ऑटोन्यूट की फैन मोटर जो है वो आधे घंटे के बाद दिक्कत है, इसकी वेंडिंग में दिक्कत है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे या फिर वेंडिंग आप करा सकते हैं, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपके सामने ये दिक्कत आ रही है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।